लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को होने वाली 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा उत्तर पूर्व दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली के कुछ केंद्रों पर स्थगित कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को होने वाली 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा उत्तर पूर्व दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली के कुछ केंद्रों पर स्थगित कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा, दिल्ली सरकार के आग्रह तथा छात्रों, कर्मचारियों एवं माता पिता को होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर पूर्व के हिस्से में कल होने वाली 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के 73 केंद्रों पर और पूर्वी दिल्ली के 7 केंद्रों पर कल होने वाली यह परीक्षा स्थगित की गई है। अधिकारी ने बताया, दिल्ली के बाकी हिस्सों में परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप ही आयोजित की जाएगी। प्रभावित छात्रों के लिए परीक्षा की अगली तारीख जल्दी ही घोषित की जाएगी। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर पूर्व दिल्ली में पिछले 3 दिनों से जारी हिंसा में कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 घायल हुए हैं।